हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बताने जा रही हूँ मैं ब्लू लगून जो समर स्पेशल है। और कल मैं एक रेस्टोरेंट में गई थी, वहां पर हमने भी लिया था ब्लू लगून पिया और लोग भी ले रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी मैं ये शेयर कर दूं। तो इसके लिए मैंने क्या क्या चीजें ली हैं मैं बता देती हूँ आपको। मैंने स्प्राइट ली है, पुदीना लिया है, उसके पत्ते तोड़ लिए हैं मैंने, नमक है, नींबू के स्लाइसेस काट लिए हैं पतले पतले, ब्लू लगून है और लेमन या नींबू का रस निकाल लिया है मैंने। अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लू लगून बनाना। इसके लिए हमने एक ग्लास ले लिया है और उसी में हम ये थोड़े से पुदीने के पत्ते हम ऐड करेंगे। अब मैंने 6 से 7 पुदीने के पत्ते ऐड कर दिए हैं और इसी में जो मैंने देखे कितने पत्ते पत्ते स्लाइसेस काट के रखे नींबू के, वो मैं ऐड कर देती हूं। 2-4 नींबू के स्लाइसेस हमने काट डाल दिए हैं इसमें, ये बहुत पतले पतले काट रखे हैं। और ये मैंने नींबू का रस लिया है, तो एक नींबू का रस हमारा एक ग्लास के अंदर एक नींबू का रस जाएगा। अब इसके अंदर हम सॉल्ट डालेंगे थोड़ा, बिना नमक के तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो नमक तो बिल्कुल जरूर ही चाहिए इसमें, थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। और हम इसमें स्प्राइट डाल रहे हैं, तो स्प्राइट अगर हम डाल रहे हैं तो हमें चीनी की जरूरत नहीं है। अगर आप खाली सोडा डाल रहे हैं तो हमें जरूरत पड़ेगी वो डालने की, शुगर। अब इसी ग्लास के अंदर हम ये ब्लू लगून ले लिया है हमने, ये आसानी से आपको बाजार में या सुपरमार्केट वगैरह में मिल जाएगा। इसमें 4 चम्मच हम इसे ब्लू लगून के डालेंगे, मैंने 4 चम्मच इसमें डाल दिए हैं। अब इसी के अंदर हम ये क्या करेंगे, अब ये हमने ले लिया है इसीलिए मैंने छोटा ग्लास लिया है, जिससे हम अच्छे से इसको इस तरीके से हम इसको क्रश करेंगे, जिससे ये हमारे पुदीने का जो रस है वो भी निकल जाए और नींबू का रस भी निकल जाए, इसलिए मैंने छोटे ग्लास लिए हैं। और आपके पास अगर बड़े ग्लास हैं तो किसी भी आप से कर सकते हैं, जो लंबा जैसे बेलन से किसी से भी आप कर लें। हमें क्रश ही करना है हल्के से, जिससे इसका रस निकल जाए। अब इसी में मैं ये बर्फ डाल रही हूं, आप स्लाइस डालना चाहते हैं स्लाइस डालिए, मैंने ये बर्फ को थोड़ा सा क्रश कर लिया है, कूट लिया है और मैं इसमें डाल रही हूं, क्योंकि ये चिली ही अच्छा लगता है। आपको जितनी बर्फ चाहिए आप उतनी डाल सकते हैं। अब इसी के अंदर हम अब स्प्राइट डाल रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स ब्लू लगून बिल्कुल बनकर तैयार है। अब आपको दूसरे ही ड्रिंक मैं दिखा देती हूं, मिंट मोहितो। मिंट मोहितो बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए अब हम आपको बता देते हैं। इसके लिए भी हम ये नींबू डाल दिए जो हमने स्लाइसेस करके रखे हुए थे, 4 स्लाइसेस इसमें डाल दिए मैंने, 7 से 8 पुदीने की पत्तियां ये इसमें ऐड कर दिए मैंने, थोड़ा सा सॉल्ट। अब हम इसको अच्छे से इसमें क्रश कर लेंगे, जिससे हमारे नींबू का और पुदीने का जो रस है वो निकल जाए। अब इसी में मैंने ये नींबू का रस जो लिया है वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूं, 2 टेबल स्पून के समथिंग। अब इसको अच्छे से हमने क्रश कर दिया है। अब इसमें बस लास्ट हमारा रह जाता है स्प्राइट डालने का, और फिर वही कहूंगी स्प्राइट अगर नहीं डाल रहे हैं आप, सोडा डाल रहे हैं तो थोड़ी सी इसमें आपको कोई शुगर ऐड करनी पड़ेगी, वो भी पिसी हुई। मैं स्प्राइट डाल रही हूं तो इसलिए मुझे शुगर की जरूरत नहीं है। बनके बिल्कुल मेरा बिल्कुल तैयार है और एक बार आप लोग जरूर बनाइएगा।
देखिए दोस्तों, मिंट मोहितो और ब्लू लगून बिल्कुल बनकर तैयार है। आप लोग भी एक बार जरूर बनाइएगा। और मैंने दोनों में बर्फ डाल दी है, और आप लोग बिना बर्फ के भी बेस अच्छा तो नहीं लगता है, बिना बर्फ के तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और जितना ये चिल होगा उतना ही अच्छा लगता है। और एक बार आप लोग जरूर बनाइए और बना के मुझे बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। शुक्रिया दोस्तों। बिना स्ट्रॉ के ये नहीं पिया जाता, स्ट्रॉ के साथ ही पिया जाता है, क्योंकि जब हम स्ट्रॉ लगाएंगे वरना हमारे मुंह में पुदीना और नींबू जो हमने डाल रखा है क्रश करने करके तो वो मुंह में आ जाता है, तो इसलिए हम स्ट्रॉ के साथ ही इसको पियेंगे तभी हमें मजा आएगा। शुक्रिया दोस्तों।